तुमने उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को क्यों मना कर दिया सलाह? इतनी अच्छी ऑफर थी। I'm sorry, तहसीन माजी। मुझे पता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, और वो भी आपसे पूछे बगैर। मगर पता नहीं मुझे इस वक्त क्या हुआ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। आखिर ऐसी क्या बात थी अरसला, बताओगी मुझे अगर तुम मुनासिब समझो तो? मैंने आपसे कभी कुछ छुपाया तहसीन माजी? आपको पता है कंपनी की तरफ से कौन आया था? आतिफ। वही आतिफ ना? तो फिर क्या हुआ अरसला? ये तो अच्छी बात है कि आतिफ ने अपनी आंखों से तुम्हें इस मुकाम पर देख लिया है। काश काश मैं वहां होती तो देखती उसके चेहरे का रंग किस तरह उड़ा होगा। पता नहीं कैसे होना जी, मगर आतिफ को देख के मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत तकलीफ हुई मुझे। ऐसे लगा जैसे मेरे पुराने सारे जख्म ताजा हो गए और उनमें से दोबारा से खून बहने लगा है। मगर जो भी, I'm sorry, I'm very sorry. Sorry की कोई जरूरत नहीं, तुमने जो मुनासिब समझा तुमने वही किया। तुम्हें पता है उस कंपनी के मालिक का मुझे फोन आया था, उसने मुझसे माजरत भी की और मुझे बताया कि आतिफ को जॉब से निकाल दिया। निकाल दिया? ये तो बहुत गलत हुआ है। नईमा से तो छोटी सी परेशानी नहीं सही जाती, पता नहीं आतिफ की बेरोजगारी कैसे बर्दाश्त करेगी वो। बहुत मुश्किल है ये। ये तुम्हारा मसला नहीं है अरसला, तुम्हें फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाय पियो, ठंडी हो रही है।